फ्रेंड कैसे आप लोग, मैं पृथ्वी शिता भाई। आप देख रहे हैं टेक्निकल दुष्प्रथमी चैनल। दोस्तों आपको कुछ ऐसा इशू आ रहा होगा ऑटोमेटिक रिपेयर का, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी एडवांस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इधर जो एडवांस ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी न्यू वीडियो लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी आप पहले ट्रबल शूट में जाएंगे और एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, तो आपको स्टार्टअप टू रिपेयर की सेटिंग इस पर क्लिक कीजिए। और इसे क्लिक करते आपका जो है ऑटोमेटिक ओपन होता है, तो होने दो। और नहीं होगा स्टार्टअप रिपेयर इसमें, तो आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते आपको कमांड टाइप करने की दिखेगी, तो आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें मैं कुछ कमांड टाइप कर देता हूँ। आपको क्या करना है, आपके जो ड्राइव है सी ड्राइव, उस पर सी लिखना है और इसे एंटर करना है। अब सी लिखते इसमें क्या करना है, डी आई आर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसमें आपको इंटेल विंडोज नहीं दिख रहा होगा, तो आपको सिंपल सी डी ड्राइव लिखने का है, सी के जगह इधर डी और डोन डॉट देने। अब दोस्तों ये आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सी एक और कमांड लिखनी है। मैं ये कमांड लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए और अपने जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है अपने कमांड बराबर से डाले तो। तो मैं ये जो है कमांड लिख लेता हूँ, सॉरी ड्राइव कमांड के बाद आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे इसमें, सीडी कमांड, उसके बाद विंडोज विंडोज कमांड के बाद इसमें सिस्टम और सॉरी ये जो ये मेरे इसमें आ गया। अब मैं इसमें मेरी जो कमांड टाइप कर लेता हूँ, सीडी। आपको ये कमांड टाइप कर लेनी है। मेरी इसमें मैंने न्यू लॉक दबाया नहीं था, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा था, पर अब मैंने कमांड डाल दी। अब मैं इसे एंटर कर लेता हूँ। अब एंटर करते ही आपको क्या करना है, एमडी जो है बिग अक्षर में, मतलब बिग लेटर में, और इसमें बैकअप लिख लेना है। अब इसे एंटर कर लेना है। अब ये बैकअप ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ, तो आप जो है फाइल, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको लिख लेना है कॉपी, सी ओ पी वाई, कॉपी करके ही स्पेस देना है, और जो स्टार रहेगा उसे लेना है, डॉट लेना है, स्टार लेना है, और इसमें बैकअप लिख लेना है। बैकअप करते ही इसे एंटर कर देना है। अब दोस्तों ये जो है बैकअप, अब इसमें क्या करेगा, ये बोलेगा क्या करना है, तो इसे ए क्लिक कर लेना है और एंटर कर देना है। अब ये तो हो गया, ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरा हो रहा है, आपके इसमें हो भी हो गया होगा। ये जो है ना मेरे इसमें यस नो ऑल, इसमें कि नहीं मैंने ऑल कर दिया। आप में इसमें कभी कभी ऑल नहीं आता है, आपकी इसमें डायरेक्ट बैकअप होता है, तो मेरे हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है, तो इसलिए मेरे इसमें ये जो है ये मुझे क्लिक करना पड़ा है। पर आपकी इसमें डायरेक्ट ये जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ये जो है डायरेक्ट आ जाएगा आपकी इसमें, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, ई दबाने की बात नहीं। आपके इसमें ओवरराइड बैकअप बीबी ऐसे लिखे आया तब ही आपको ई दबाना है। अब दोस्तों ये मेरा बैकअप हो रहा है, मेरे इसमें टाइम लग रहा है, आप देख सकते हो इधर ये जो 12 फाइल कॉपी हो चुकी है। अब कॉपी होने के बाद इस इधर जो नीचे एक कमांड डालनी है आपको, जो है आपको कैपिटल लेटर में लिखना है सी डी और स्पेस देना है आर ई जी बी ए सी के। ये करते आपको क्या करना है, एंटर पर क्लिक कर देना है। अब एंटर करते आपको क्या करना है, डी आई आर
जो है आपको कमेंट लिख देने। अब दोस्तों इधर इसमें 000 सब आया ना तब भी आपको ये जो है ट्रिक वर्किंग करेगी, और आपको 0 नहीं आया तो आपकी ट्रिक ये वर्क नहीं करेगी, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसमें कॉपी कर लेना है, ये जो है कॉपी लिखना है और स्पेस देना है और स्टार देना है, डॉट देना है और एक बार फिर स्टार देना है और जो है स्पेस देके डॉट डॉट दे देना है और इसे करते ही एंटर कर देना है। अब दोस्तों इसमें डिफॉल्ट एक इधर ए जो है लिख लेना है और एंटर कर लेना है। अब जो है ये जो है कॉपी हो चुका है, आपको क्या करना है इसमें एग्जिट कर लेना है। आपको वो कमांड डाल के नहीं हुआ होगा तो आपको क्या करना होगा, आपका जो है आपका पीसी या लैपटॉप कुछ भी बोल सकते हो उसे जो है रिसेट करना होगा। तो आपको रिसेट का भी वीडियो मैं आपको 2-3 दिन में जो है लाके दूंगा। तो आपको वो कमांड जल्दी से मतलब बराबर डालना और वही जो आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आपको रिसेट ही करना होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, रिसेट पर भी मैं वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं ऐसे न्यू वीडियो लाता रहता हूँ और लाते रहूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में।